हेलो हेलो एवरीवन हाय नमस्ते कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अभी यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था और मैं कभी भी मॉर्निंग से ही या फिर नौ या दस बजे से अपना जो है ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर कढ़ाई का जो पकड़ने वाला कान बोलते हैं हम लोग है ना तो पकड़ने वाला जो है वो फिर से एक तो पहले से टूटा हुआ था मतलब उसका जो नट होता है ना वो निकल गया था लेकिन एक बचा हुआ था जिससे हेल्प हो जाता था कढ़ाई वगैरह उतारने के लिए लेकिन वो भी उसका भी एक नट पूरा खुल गया है और जिसका भी मतलब इतना कढ़ाई का दो तीन का कर, दो कढ़ाई है हम लोग के पास और इसका कान जो पकड़ने वाला वो पूरा खुल गया है तो वो हम लोग निकाल के ना रख दिए हैं अलग से कभी जो बनवाने वाले कुकर या कुछ भी बनवाने वाले आएंगे तो उन्हीं से बनवा लेंगे करके लेकिन आज तक इतना दिन हो गया इतना साल भी हो गया है कढ़ाई को दस या बारह साल हो गया लेकिन आज तक कभी भी उसको बनाया नहीं है उसका कान जो है वो लगवाए भी नहीं है तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ मुझे मतलब कि देखिए इतना दिन हो गया है और जो हम लोग रखे मतलब जो रखा हुआ है वो आज तक नहीं बनवाए हैं पता नहीं इसका क्या होगा इसी को भी उसी पे रख देंगे लेकिन जितना भी कढ़ाई का पकड़ने वाला नहीं है ना वो सारा रखा हुआ है उसी तरह और जब भी सारा बर्तन निकलता है वो बाहर निकलता है नहीं तो फिर उसी तरह ही अलग से हम लोग रख दिए हैं जो कि पता नहीं कभी लगवाएंगे कि नहीं ये कल का थोड़ा सा रात का सब्जी बच गया था आलू और बैंगन भोने थे मैं और ये अभी सुबह का है आलू और इसको क्या बोलते हैं सेम बोलते हैं हम लोग चुटचुटिया बोलते हैं इसको गुआसा में भी बोलते हैं गवार फले बोलते हैं इसको गवार फले बोलते हैं और ये मेरा माड़ जो कि कल रात का है पानी में भिगो के रख दिए थे तो इस तरह से हो गया ये ख़राब नहीं होता है देखिए इस तरह से ये सही है अभी और नमक थोड़ा सा डाली हूँ अगर हरी वाली मिर्च इस पर डालूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे देखिए कुछ दिखा रही हूँ बहुत दिन के बाद देखने को मिला है और ये सब काफ़ी कम देखने को मिलता है तो मैं सोची कि आप सभी से, से शेयर कर देती हूँ घर के मम्मी क्योंकि पास में बैठी हुई थी लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा उसको डर लगता है देखने से भी लेकिन उसको अलग अलग करके हम लोग भगा दिए थे और यहाँ पे देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे साइकिल क्योंकि मुझे देखिए सिलाई सीखने के लिए जाना था एक बार तो मैं गिर गई थी क्योंकि ब्रेक नहीं था जो साइकिल में माँग के लेके गई थी ब्रेक नहीं था मुझे पता भी नहीं था या जिसका साइकिल है ना वो बोला भी मतलब वो बोली नहीं थी मुझे कि ब्रेक काम नहीं कर रहा है करके तो इसीलिए थोड़ा सा ना पैर नीचे रखते रखते फिर गिर गई थी पता नहीं कैसे अजीब सा तो थोड़ा सा चोट आया था तो ये जो साइकिल है ये रखा हुआ था हम लोग के आ, मुर्गी वाला घर मतलब स्टोर रूम पे रखा हुआ था दो साल हो गया ये वाला साइकिल को और मुझे याद आया कि ये साइकिल निकाल के कम से कम यूज़ तो कर पाऊँगी करके और इसका पहले सामने का हैंडल जो है ना वो पूरा घूम गया था पूरा आ, तो इसीलिए थोड़ा सा उस तरह से लग रहा था और अभी मैं इसको बाहर ले आई हूँ और है? इसको पूरा सर्फ से और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से पूरा घिस घिस के साफ की हूँ मुझे नहीं पता कि इसका क्या ख़राबी है लेकिन एक बात थोड़ा सा नोटिस कर रही थी इसका शायद ब्रेक थोड़ा सा सही नहीं है जो कि सही करवाना है और पता नहीं टायर कैसा है क्योंकि दो साल हो गया है ये साइकिल पूरा नया था उसी तरह रख दिए थे एक चाचा का है तो उसी तरह रख दिए थे स्टोर रूम पे तो फिर ये उसी तरह ही पड़ा पड़ा पूरा जंक भी हो गया था और बहुत थोड़ा सा पुराना टाइप जैसे जंग लगता है ना उसी तरह लग रहा था तो मैं सोची कि इसको निकाल के साफ़ कर देती हूँ और काम भी आ जाएगा मुझे सिलाई सीखने के लिए जाना है तो साइकिल से ही जाना पड़ेगा रोज़ रोज़ तो पापा लेके छोड़ के नहीं आएंगे ना पेट्रोल फिर वेस्ट होगा तो इसीलिए लिए मैं सोची कि साइकिल से खुद ही चली जाऊंगी और आ जाऊंगी करके क्योंकि दो घंटे का रास्ता है तो जाने और आने में दिक्कत नहीं होगा साइकिल से और ज़्यादा दूर भी नहीं है पास में ही है हल्दी तो इसी लिए मैं सोची कि जल्दी से मतलब साइकिल से ही करवा लेती हूँ जो भी खराबी होगा पापा इसको ले जाएंगे और सही करवा के ले आएंगे बोल रहे थे तो मैं बोली कि ठीक है और वैसे भी मैं मतलब एक यूट्यूबर तो बनना चाहती हूँ लेकिन फिर भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ जैसे कि अभी देखिए ब्लाउज़ या ड्रेस वगैरह कितना मतलब महंगा हो गया है पैसा खुद अगर सिलवाओ मतलब खुद सिलो और पहनो और उसके बाद किसी और को अगर सिलने के लिए दो तो कितना फ़र्क होता है वैसे भी उतना नहीं होता है मतलब हमेशा तो अभी का जो टाइम चल रहा है धीरे धीरे प्राइस सब बढ़ रहा है ब्लाउज़ का हो या ड्रेस वगैरह का जितना भी तो इसीलिए लिए मैं सोची कि खुद ही सीख क्यों ना लूँ चाहे मतलब यूट्यूब पे भी रहूँगी और मेरा जो भी ब्लाउज़ या कोई भी ड्रेस वगैरह होगा मेरी फिटिंग का मैं खुद ही सिलवा लूँगी थोड़े से पैसे तो बच जाएंगे ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत टाइम से तो मैं मम्मी को बोली थी मुझे यूट्यूब पे भी रहना है कंटिन्यू और मुझे सिलाई भी सीखनी है जो कि मुझे काम आएगा थोड़ा बहुत अपने लिए ऐसे में सेविंग करके रख पाऊँगी ऐसे में मम्मी को बोली थी बहुत दिन से और मेरी दीदी भी सिलाई करती है बहुत अच्छे से तो मैं वही सोच के ही सिलाई करने के लिए मतलब बहुत बोली थी तो फाइनली मेरा जो मतलब सोच है वो थोड़ा सा पूरा होने वाला है देखते हैं आगे क्या होगा तो यहाँ पे देखिए ये ना कद्दू का पत्ता है ये मैं लेके आई हूँ और यहाँ पे पापा को मैं बोल रही थी कि पापा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए क्योंकि मेरी बुआ लोग को अभी निकलना है क्योंकि वो सब हड़बड़ी हो रहे थे साढ़े बारह बजे के करीब उनका ट्रेन था तो इसी वजह से सुबह बस खाना खाए थे माड़ भात और फिर अभी दोपहर को हम लोग जल्दी जल्दी से ये बना देते हैं करके क्योंकि मेरी बुआ को और मेरे मामा जी को ये सब साग जो है वो बहुत पसंद है तो मम्मी बोली कि जल्दी से गर्म गर्म पूरा आठ भात बना देती हूँ तो खा के निकल जाएंगे ऐसे बोल रहे थे मम्मी तो मेरी बुआ जो है वो खाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि उनको डाइजेस्ट जो होता है ना थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए वो मना कर रही थी खाने के लिए लेकिन मेरी मम्मी ही ज़बरदस्ती उनको बोली थी खा लीजिए और फिर चले जाइए करके क्योंकि अभी रायपुर जाने के लिए छः घंटे तो लग ही जाते हैं तो इसीलिए मम्मी पूरा बहुत बहुत बार बोली थी तो बुआ फाइनली बाद में खा ले थी और यहाँ पे देखिए अभी जो भी ये जो पीठा हम लोग बोलते हैं अरुआ चावल से बनता है तो ये मेरी भाभी के यहाँ से आया हुआ था जब भाभी आए थे घर तो ये लेके आए थे तो वही मम्मी सब लोग को दे रही है क्योंकि मेरी बुआ का जो लड़के हैं और भैया लोग चार भाई हैं तो उनको सब लोग को देना होता है अलग अलग से और अपना जो है घर के लोग जो हैं उन सभी को भी देना होता है तो इसीलिए मम्मी अलग अलग से ना दे के एक ही साथ में भर दे थी और बुआ को बोली थी कि आप बांट दीजिएगा सबको बोल के और अभी यहाँ पे देखिए कद्दू का जो पत्ता है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ और मम्मी जो हैं वो मम्मी ना आ, कुछ भी जो सामान है देना होता है तो वही सब ना निकाल के मम्मी दे रही थी और चावल भी जैसे कि चावल हम लोग को राशन भी मिलने वाला था तो मामा जी फिंगर प्रिंट दे के भी आ गए हैं बाद में हम लोग को चावल मिल जाएगा और अभी यहाँ पे देखिए कद्दू का जो साग है वो अच्छे से मतलब पक गया था तो जिस तरह से साग बनाते हैं बस उसी तरह से ही मैं बनाई थी और टमाटर में डाल दी थी और टमाटर थोड़ा सा पका है कि नहीं हुए चेक करने के लिए एक बार न, मतलब निकाली थी ढक्कन और फिर से थोड़ी देर ढक दी थी और अभी यहाँ पे टमाटर अच्छे से हल्का सा पक गया है तो मैं इसी तरह मैश कर करके पूरा अच्छे से मिला लूँगी इसको और ये सब्जी बन के रेडी हो गई है बहुत टेस्टी लगता है ये वाली सब्जी और बस अभी यहाँ पर मामा और बुआ के लिए दोनों के लिए माड़ भात निकाली थी लेकिन मेरी बुआ तो नहीं खाऊंगी बोली थी लेकिन बाद में जितना भी उनको दिए थे ना उसका आधा का आधा बस थोड़ा सा ही खा के गई थी क्योंकि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ तो नहीं मुझे खाना ही नहीं है ऐसे बोल रही थी बुआ तो मम्मी ही बोली कि कद्दू का जो साग है आपको बहुत पसंद है वही मैं बनाई हूँ आप खा लीजिए बोल के तो थोड़ा सा बुआ खा ली थी और मामा और बुआ हम लोग के घर आते हैं थोड़ा मतलब हम लोग के ही काम कुछ मतलब थोड़ा बहुत वो होता है और हमारे अपने ही हैं घर पे कभी भी जैसे राशन मिलता है ना हम लोग को तो हम पापा फ़ोन कर देते हैं कि राशन मिलने वाला है आ जाइए करके क्योंकि उनका जो कार्ड है ना जो राशन मिलने वाला कार्ड वो अगर नहीं मतलब चावल या कुछ ऐसे नहीं लेंगे ना तो फिर कट जाएगा वो कार्ड बोलते हैं तो इसीलिए ही पापा हमेशा कॉल करके बुला लेते हैं उनको तो आ जाते हैं वो और अभी यहाँ पर खाना उनके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मेरी भाभी जो हैं वो आलू और क्या बोलते हैं उसको गुआ से भी हम लोग बोलते हैं जो गवार फली वही सब बनाई थी और कद्दू का साग जो है वही बनाई थी तो वही हम लोग मम्मी और मैं दोनों लोग दे दिए थे तो मामा जी जो हैं खा लिए थे लेकिन मेरी बुआ अभी खा रही हैं बहुत बोलने के बाद और यहाँ पे उनको जाना था तो पानी भी भर दिए थे हम लोग ये नल का जो सप्लाई पानी होता है वही हम लोग का बोर का पानी थोड़ा सा ना अलग सा लगता है और यहाँ पे थोड़ा सा लीक हो रहा था बोतल तो वही मैं मामा जी को बोल रही थी कि थोड़ा सा बोतल लीक हो रहा है बोल के तो बस वही सब और पापा सारा सामान लेके आ गए थे यहाँ पे और मामा जी को दे दिए थे मम्मी जितना भी सामान उनको देना था भर दी थी बैग में और यहाँ पे टिकट करने के लिए पापा पैसे भी थोड़ा बहुत दे दिए थे क्योंकि जैसे कि अभी बुआ भी मेरी बुआ भी बहुत अच्छी है पता है मेरे पापा को बहुत बहुत पसंद करते हैं मेरे पापा उनके छोटे भाई हैं ना तो उनको कुछ भी चाहिए होता है वो खुद ही पूरा बिना झिझक के ना पूरा सब कुछ देती हैं कभी भी कुछ वो नहीं करती बहुत प्यार करती हैं मेरी बुआ मेरे पापा से और हम लोग से भी पूरा बहुत ही ज़्यादा बहुत और भैया लोग भी हम लोग को बहुत मानते हैं और बहुत पापा से भी बहुत प्यार करते हैं मेरे मतलब मेरी बुआ के जो लड़के हैं भैया लोग वो सब और यहाँ पे देखिए मैं अपने भांजा को पकड़ी हुई थी और यहाँ पे शूट कर रही थी तो तभी ना उसको कैमरे के सामने थोड़ा सा ले गई थी तो वो पूरा पूरा झपक रहा था कैमरा को पकड़ने के लिए मतलब मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए और उसके बाद अभी मैं बुआ को बोली कि बुआ आप बाबू को थोड़ा सा पकड़ लीजिए वैसे तो अभी चली जाएंगी क्योंकि सब लोग ना आके बहुत खुश हो रहे हैं बाबू को देख के बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं तो इसी वजह से मैं बुआ को बोली थी कि आप थोड़ा सा पकड़ लीजिए करके और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू थैंक्स